खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा आयोजित वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़े में वणी क्षेत्र अव्वल रहा, तो वही माजरी दूसरे स्थान पर रहा। वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा 2018 का पुरस्कार वितरण समारोह शानदार तरीके से संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। समारोह में कंपनी के सभी क्षेत्रों ने सेफ्टी से संबंधित स्टॉल लगाए थे। फीता काटकर सेफ्टी से संबंधित स्टॉल का उद्घाटन किया गया। समारोह में कंपनी के सभी क्षेत्रों ने सेफ्टी से संबंधित स्टॉल लगाकर अतिथियों एवं दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया गया। इस समय अतिथियों के हाथों एक स्मरणिका का विमोचन किया गया। तत्पश्चात झांकियां निकाली गई। समारोह में सुरक्षा का संदेश देती सभी क्षेत्रों की झांकियों ने सबकी सराहना प्राप्त की। इस अवसर पर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CMD श्री RR मिश्र, मुख्य अतिथि श्री R सुब्रमणियम, उपमहानिदेशक खान सुरक्षा पश्चिम अंचल नागपुर, खान सुरक्षा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी, विकोली के निदेशक SM चौधरी तथा निदेशक मनोज कुमार एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति के सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इस पखवाड़ा में 2018 के लिए सेफेस्ट एरिया हेतु वनी क्षेत्रों को पहला और माजरी क्षेत्र को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। विशेष उपलब्धियों में पाथाखेड़ा के छतरपुर खदान नंबर 1 के ओवरमैन श्री L सेठी को DJ देशमुख मेमोरियल ट्रॉफी फॉर बेस्ट ओवरमैन, चंद्रपुर क्षेत्र के HLOC के सीनियर मैनेजर खनन श्री SV रामटेके को भास्कर भट्टाचार्य मेमोरियल ट्रॉफी फॉर इनोवेटिव आइडिया, माजरी क्षेत्र को प्रकाश नंदन मेमोरियल ट्रॉफी फॉर बेस्ट HEM प्रैक्टिस, नागपुर क्षेत्र को सान्याल मेमोरियल ट्रॉफी फॉर बेस्ट सेफ एरिया फॉर 2017 तथा नागपुर क्षेत्र के ही सावनेर खदान नंबर 2 को इसके स्थापना काल 1988 से अब तक 0 प्राणघातक दुर्घटना के लिए स्पेशल सेफ्टी अवार्ड प्रदान किए गए। इसके अलावा अन्य उत्कृष्ट क्षेत्रों एवं कर्मियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण श्री राजू दास महाप्रबंधक तथा धन्यवाद ज्ञापन मेजबान क्षेत्र बल्लारपुर के महाप्रबंधक श्री VC सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन जाकिर हुसैन एवं श्रीमती रूही खान ने किया। एक टेक्निकल मार्गदर्शक रहा है, इसलिए मैं इस भूमि की मैं वर्णन कर रहा था। उस जमाने से लेके आज तक भी मैं मानता हूँ कि एकदम टेक्निकली आप देखेंगे बहुत कुछ नए नए इन्वेंशंस बोलिए, आइडियाज बोलिए, कॉन्सेप्ट्स बोलिए, इसकी जन्म हुई है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ जो भी हैं, जो भी WCL में काम कर रहे हैं, उनकी रिसेप्शन लेवल बहुत अधिक है। आप कुछ भी आप सीरियसली कुछ बोलते हैं तो उसकी गहराई तक जाने की एक क्षमता रखते हैं। इसीलिए मेरे ओर से WCL को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि WCL में आज तक नहीं हुआ है। आपके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर RR मिश्रा साहब करके दिखाए, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कोई 10-15 साल पहले तक। आज मैंने एकदम साबित हो गया कि मैंने WCL की क्षमता क्या है। जैसे सभी बोल रहे थे कि ये 53.18 मिलियन टन है, मैं तो यही मानता हूं कि बगल में एक डिजिट छूट गया जो कि हिडन है। इतना कठिन एक परिस्थिति में आप लोग काम कर रहे हैं। सही बोले हमारे पूर्व वक्ता ने, जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं दुनिया में। कोई भी प्रॉब्लम लीजिए वो WCL में आपको देखने को मिलेगा। ओपन कास्ट माइंस एक जमाने में सब लोग मानते थे कि बहुत एकदम मैंने सेफ और हाईली प्रोडक्टिव एक मैकेनिज्म होता है। यहाँ आके पता पड़ता है कि एक एक टन ओपन कास्ट कोयला से जो निकालते हैं आप लोग माइंस में, उसके पीछे कितना
लागत है। खास करके इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों में क्षमता है वो अभी भी झलक रहा है। जैसे कि शाम की हम लोग एग्जीबिशन स्टॉल देख रहे थे, मैंने तो आज तक इतना इनोवेटिव कुछ अप्रोच मैंने कभी नहीं देखा। ये पूरा मैंने बधाई, आपकी बधाई कर रहा हूं, तालियां हो जाए, मैं भी ताली कर रहा हूं, ताली मार रहा हूं। जैसे कि श्लोक की एक प्रोटेक्शन की एक कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे वगैरह वगैरह, इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज, ये यही साबित करता है कि पोटेंशियल आप में अभी भी बरकरार है एकदम। जरा बहुत अच्छी लगी, आते ही जब हमने वो जो स्टॉल्स देखे, उन स्टॉल्स में जो लोगों ने इनोवेशंस किए हैं वो थोड़े अलग लगे, वो बड़े प्रैक्टिकल लगे, और लोगों में जो उत्साह लगा, डीडीजी साहब ने बताया कि इसको जल्दी से जल्दी किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से उस पर मोहर लगाइए और उसको लागू करिए, ये बहुत अच्छी बात हुई है। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन आई हैव एवर सीन। बहुत अच्छा किया जो कोल इंडिया में, जो जहाँ जहाँ भी हमने देखा है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हुआ। और आज की झांकी, आप एक चीज गौर करेंगे, अभी डीडीजी साहब ने अपने वक्तव्य में कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी इज सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनी गिवन टास्क। आपने गौर किया कि इसमें माइंड सेफ्टी की बातें कम थी, जनरल अवेयरनेस सेफ्टी की बात ज्यादा थी। तो इस झांकी में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इन स्टॉल्स पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और आज के ऑर्गेनाइजर्स, आप सभी के लिए मैं चाहूंगा कि पूरे पूरा जो समारोह है वो तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। टीम WCL की सराहना की, हमारे पोटेंशियल की सराहना की। दरअसल बात यह है कि विगत 4-5 वर्षों में इस कंपनी की ऐसी स्थिति हुई कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे 4-5 वर्ष पहले कि हमें यह लगा कि यह कंपनी आगे 5 साल नहीं चल पाएगी। 39 मिलियन टन प्रोडक्शन, आगे कोई न कोई जमीन न प्रोजेक्ट, वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं थे, और प्लानिंग में यह था कि अगले 5 साल में हम 20 मिलियन टन लूज कर जाएंगे। तकलीफ ये नहीं थी कि ये कंपनी पर असर होगा, तकलीफ ये थी कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे पर आधारित उद्योग हैं उनका क्या होगा। एक तो उस समय भी लगभग 50% उद्योग जो है वो बाहर से कोयला लेते थे, या तो ACCL से या MCL से, और उस समय टीम WCL खड़ी हुई और टीम WCL ने प्रोजेक्ट्स वायबल करके जमीन लेके 20 खदाने खोली, कुछ खदाने ग्रीन फील्ड थी, कुछ ब्राउन फील्ड थी। और मैं बताना चाहूंगा साहब आपको कि उन 20 खदानों से पिछले साल 18-19 में हम लोगों ने 36 मिलियन टन ऐड किया है। अगर वो 36 मिलियन टन ऐड नहीं हुआ होता तो हम 39 में से 22 मिलियन टन हम लूज कर गए होते, 17 मिलियन पर होते। आपने 36 ऐड किया, हम लोगों ने 53.18 किया, अदरवाइज हम 17 मिलियन पर होते। और अगर 17 मिलियन पर होते तो शायद आज का ये फंक्शन हम यहाँ नहीं कर रहे होते, ये कंपनी 2 वर्ष पहले बंद हो चुकी होती। तो इसीलिए एक डू और डाई सिचुएशन को हम लोगों ने फेस किया, और मैं सलूट करूंगा टीम WCL के हर एक सदस्य को कि उन लोगों ने जो जज्बा दिखाया और जो डटे रहे तो आज हम इस स्थिति पर पहुंचे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कंपनी को बचाते बचाते ये जरूर वक्त लगा कि हम अपने फंडामेंटल्स को ठीक तरह से देख नहीं पाए, वो चाहे प्रोडक्शन में हो, डिस्पैच में हो, सेफ्टी में हो, क्वालिटी में ऑफ कोल में हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ में हो। और इसीलिए हर साल टारगेट के पीछे दौड़ते थे और टारगेट अचीव नहीं कर पाते थे।
जब पिछले साल हम लोगों को 17-18 में एक बहुत बड़ा जॉल्ट लगा कि हम नहीं टारगेट अचीव कर पाए, नहीं हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी रही, तब हम लोगों ने एक मिशन मोड में सोचा काम करें। तो नाम अलग है मिशन WCL 2.0, बट वो मिशन क्या था कि हम अपने फंडामेंटल्स को ध्यान दें, उसको ठीक करें। और यही बात आपने कही है, हमने कहा, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम चाहे जिस क्षेत्र में हो, प्रोडक्शन डिस्पैच एवरी ऑल एस्पेक्ट्स के फंडामेंटल्स को ठीक करें, और अगर हमारे फंडामेंटल्स ठीक होंगे तो हम किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और वही हुआ,